कहानी को राज ही रहने देते हैं। मैं कहूँगा कि लोगों को ऐसी कहानी एकदम रेयरली देखने को मिलती है, बहुत अच्छी है, टेकिंग वाइज अच्छी है फिल्म, क्योंकि मैंने फिल्म तो पूरी देखी नहीं है, पर जो मैंने जितना पार्ट देखा है अपनी डबिंग के वक्त और दूसरी एडिटिंग के वक्त, तो उसमें टेकिंग वाइज फिल्म बहुत अच्छी बनी है और गाने भी बहुत अच्छे हैं। एक राखी जी का एक आइटम सॉन्ग है लट्टू, वो बहुत अच्छा है। और कहानी के बारे में क्या कहा जाए, कहानी के बारे में तो आप देखिए फिल्म तो आपको मजा आ जाएगा। आपके किरदार की अगर बात की जाए तो शुरू से आखिर तक की तक बात की जाए तो हर एक जगह पे आप डिफरेंट नजर आए, गांव में नजर आए, इस फिल्म के अंदर कितना पावरफुल किरदार है आपका, जो फिल्म का बेस पॉइंट है? अगर आपको याद होगा तो मुन्ना भाई MBBS में भी मेरा एक पावरफुल किरदार था, उसमें मैंने मेरे डायलॉग्स तो ज़्यादा नहीं थे पर जो 5 सीन्स उस फिल्म में मुझे मिले थे वो भी उस कैरेक्टर को पावरफुल कर गए। और इस फिल्म में भी मेरे ज़्यादा सीन्स नहीं हैं पर आई एम श्योर ये कैरेक्टर भी बहुत पावरफुल लोगों को नज़र आएगा, क्योंकि इसमें एक बाप और बेटी की ऐसी शेड है जो शायद कहीं रेयरली देखने को मिलती है। आपके हिसाब से यूएसपी पॉइंट क्या होगा, फिर बेस्ट पॉइंट क्या होगा? बेस्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो आई से डायरेक्शन, देन कैमरा, देन परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट, म्यूजिक एंड एडिटिंग, एवरीथिंग एल्स, तो ये एक एक करके। एंड स्टोरी भी काफ़ी आपको दिलचस्प लगेगी ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे उनका जो लव सॉन्ग है, जो सेकंड लीड और हीरो का जो लव सॉन्ग है, शांतिनी जो मेरी बेटी का रोल कर रही है उसका और हीरो का जो लव सॉन्ग है वो बहुत पसंद आया, क्योंकि वो एक अच्छा सा एक सेंशुअस और बहुत ही धीमी गति से चलने वाला और बहुत ही, मैं उसको कंपेयर करूँगा सागर में एक गाना था छुओ ना छुओ ना मुझे छुओ ना छुओ ना, उससे मैं कंपेयर करूंगा। वो अच्छी, बहुत अच्छी टेकिंग भी उसकी हुई है। थैंक यू।